सर्वो मोटर एक स्पेशल मशीन होती है जो कि सर्वो मैकेनिज्म के हेल्प से ऑपरेट होती है सर्वो मोटर का यूज किसी स्पेसिफिक टास्क को प्रिसाइज वे में कंप्लीट करने के लिए किया जाता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल सिमिलर इंडक्शन मोटर के जैसा होता है बट इसका जो कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन है वो उससे डिफरेंट होता है सर्वो मोटर रोटरी एक्चुएटर के तरह एक्ट करता है एंड इट इज डिज़ाइन टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इनपुट इन मैकेनिकल एक्सरेसन इसमें पोजिशन फीडबैक सिस्टम का यूज किया जाता है जो कि मोटर के स्पीड एंड फाइनल पोजिशन को कंट्रोल करता है देयर आर टू टाइप ऑफ सर्वो मोटर दैट इज ए सी सर्वो मोटर एंड डी सी सर्वो मोटर दिज मोटर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट सप्लाई इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट ए सी सर्वो मोटर इफ

यहाँ पर जो मेन वाइंडिंग है उसको कांस्टेंट एसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं एंड कंट्रोल वाइंडिंग को वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज ऑप्टेन करने के लिए सर्वो एम्पलीफायर का यूज किया जाता है जब दोनों वाइंडिंग इनर्जाइज होता है तो उसके कारण यहाँ पे फेज डिफरेंस क्रिएट होता है क्योंकि दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री पर सेपरेट है तो उसके कारण रोटर के ऊपर एक टॉर्क क्रिएट होता है तो इसके वर्किंग को हम लोग डिटेल में समझेंगे यह मोटर क्लोज लूप सिस्टम से ऑपरेट होती है सर्वो मोटर में दो टाइप के रोटर का यूज किया जाता है स्क्वाल केज रोटर ड्रैग कप टाइप रोटर स्क्वाल केज रोटर का लेंथ लार्ज होता है जबकि इसका जो डायमीटर है वो स्मॉलर होता है एंड इसको बनाने के लिए एलुमिनियम बार का यूज किया जाता है टू रिड्यूस वेट ऑफ मोटर रोटर का डायमीटर स्मॉल होने के कारण एलुमिनियम बार्स के बीच का जो एयर गैप है वो कम होता है एंड इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग करेंट ड्रैग टाइप रोटर यह लेमिनेटेड एल्युमिनियम कोर से कंसिस्ट होता है जिसके अराउंड ड्रैग कप प्रेजेंट रहता है विथ सर्टेन गैप ड्रैग कप ड्राइविंग साफ्ट के साथ अटैच रहता है इस टाइप के रोटर का यूज लो पावर रिक्वायरमेंट अप्लीकेश में किया जाता है मोटर का जो साफ्ट है वो रिडक्शन गेयर बॉक्स से अटैच रहता है जो कि मोटर के आर को रिड्यूस कर देता है इसमें गेयर बॉक्स का जो साफ्ट है वो मोटर का साफ्ट होता है एंड गेयर बॉक्स के आउटपुट साफ्ट के साथ इनकोडर और पोटेंशियोमीटर कनेक्ट रहता है एंड पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट है वो कंट्रोल सर्किट से कनेक्ट रहता है एंड मोटर का इनपुट वायर कंट्रोल सर्किट से कनेक्ट रहता है मतलब यहाँ पर एक क्लोज लूप सिस्टम दिख रहा है अब हम लोग समझेंगे सर्वो मोटर ऑपरेट कैसे होती है सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल सर्किट को एक सिग्नल मिलता है जो कि पी के फॉर्म में होता है तो यहाँ पे जो कंट्रोल सर्किट है वो पी सिग्नल को डिकोड करके ये पता करता है कि मोटर को कितना एंगल पर रोटेट कराना है एंड मोटर का जो कंट्रोल वाइंडिंग है वो कंट्रोल सर्किट से कनेक्ट रहता है तो कंट्रोल सर्किट से मिलने वाला वेरिएबल इनपुट के अकॉर्डिंग रोटर उतना एंगल पर रोटेट करता है एंड रोटर के साथ उसका आउटपुट साफ्ट भी रोटेट करता है एंड इसके साफ्ट से कनेक्टेड इनकोडर कंट्रोल सर्किट को फीडबैक सिग्नल सेंड करता है जैसे ही कंट्रोल सर्किट को फीडबैक सिग्नल मिलता है तो रोटर को उतना एंगल पर स्टॉप कर देता है एंड अगेन जब माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल सर्किट को कोई सिग्नल मिलता है तो सेम प्रोसेस परफॉर्म होता है एंड रोटर को रिक्वायर्ड एंगल पर रोटेट कराता है सपोज अभी जो रोटर है वो 20 डिग्री पर रुका हुआ है एंड माइक्रो कंट्रोलर डिग्री पर रोटेट करने के लिए पी सिग्नल कंट्रोल सर्किट को सेंड करता है तो कंट्रोल सर्किट रोटर को क्लॉकवाइज 60 डिग्री पर रोटेट कराएगा एंड एज वेल एज कंट्रोल सर्किट को इनकोडर से फीडबैक सिग्नल भी मिलेगा और रोटर को 60 डिग्री पर स्टॉप कर देगा इसके टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लोग देखें तो इस मोटर को लीनियर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है बट एक्चुअल में यहाँ पे जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं दिख रहा है क्योंकि यह रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस रेशियो पे डिपेंड रहता है रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस रेशियो जितना कम होगा तो ग्राफ उतना लीनियर बनेगा और यह वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा तो ग्राफ भी उतना बड़ा बनेगा सर्वो मोटर का यूज डिफरेंट अप्लीकेशंस में किया जाता है इसका यूज रडार सिस्टम एंड प्रोसेस कंट्रोलर में किया जाता है सर्वो मोटर का यूज कंप्यूटर्स एंड रोबोटिक्स में किया जाता है इसका यूज डिफरेंट मशीन टूल्स में किया जाता है सर्वो मोटर का यूज ट्रैकिंग एंड गाइडेंस सिस्टम में किया जाता है इसका यूज इंडस्ट्रियल ड्राइव मोशन कंट्रोल एंड ऑटोमेशन में किया जाता है तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुँच सकें